सामने उठते हैं आपको सुंदर से पहाड़ दिख जाते हैं। अल्टीमेट कह नहीं सकते, मजा कह रहे हो। बॉन फायर में तो मजा आ गया, और रात में जो हमने गाना गाया ना, जो डांस हुआ हमारा, आपको व्लॉग में। एक्चुअली क्या है, आजकल ना जो बाबा जी है डोल आश्रम में, जिन्होंने ये डोल आश्रम बनाया था, वो बाबा जी भी आजकल आए हुए हैं। कैसा लगा ये तो बताओ, यही चीज तो जानना है। दिल से नहीं बता सकते हम। आप मंदिर में आओगे ना तो कुछ भी चीज अगर आपके साथ हो रही है ना, वो अच्छा ही होती है। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, ध्यान लगाने का आपका मन करता है, तो आप यहाँ के ध्यान लगा सकते हैं। और इसके अंदर ना आपको 16 क्विंटल का दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र मिल जाएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हमारा ट्रिप का सेकेंड है, और कल रात हमने बहुत सारा मस्ती करी थी। तो रात के 1 बजे के आसपास हम सो गए थे, और जिस जगह पे हमने टेंट लगाया था ना, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। एक तो ये एक हाथ से मोबाइल पकड़ो और एक हाथ से टेंट खोलो ना, तो परेशानी हो जाती है। तो इस टाइप का नज़ारा है बाहर का, सामने उठते हैं आपको सुंदर से पहाड़ दिख जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने बाइक वगैरह खड़ी करी थी, और एक टेंट ये लगा था, एक टेंट ये लगा था, एक टेंट लगा था। तो ये हमारे साथ हमारे हेलो पंत जी, हैरी इन द हिल्स। कैसा लगा? अल्टीमेट कह नहीं सकते, मजा कह रहे हो। बॉन फायर में तो मजा आ गया, और रात में जो हमने गाना गाया ना, जो डांस हुआ हमारा, आपको व्लॉग में दिख जाएगा वो सारा। अगर आपने नहीं देखा तो जाके कल वाले व्लॉग में, यानी जरूर जैसे पहले व्लॉग आ गया ना, उसमें मेरे चैनल में और हैरी इन द हिल्स दोनों में जाके देखिएगा, बहुत मजेदार व्लॉग बना था। तो अभी क्या प्लान है, अभी यहाँ से अभी हम थोड़ी देर में नहा धोना करते हैं, उसके बाद चलते पास हैं। में इधर ही एक शॉप है जहाँ कल हमने चाय पी थी, तो वहाँ जाके अभी नहा धोना करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं डोल आश्रम, और वहाँ आपको कराते हैं दर्शन। एक्चुअली क्या है, आजकल ना जो बाबा जी है डोल आश्रम में, जिन्होंने ये डोल आश्रम बनाया था, वो बाबा जी भी आजकल आए हुए हैं। तो अच्छा मौका था मिलने का, उनसे उनका आशीर्वाद लेने का। तो हमने सोचा चलो आ जाते हैं, और यहाँ आशीर्वाद भी ले लेंगे और दर्शन भी हो जाएंगे। डोल आश्रम, अगर आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा तो आपको ये बताऊंगा कि डोल आश्रम में अगर आप जा रहे हो ना और मंदिर के अंदर घुसना है, तो आपको धोती पहनना बहुत जरूरी है। और धोती हम लाए हैं, धोती ये लोग लाए, लेकिन मैं नहीं लाया हूँ। एक्चुअली मैं बैग का दिक्कत होता था, तो मैं धोती लेके नहीं आया। तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट देख दाख के दर्शन तो करना ही है भैया, तो धोती एक्सचेंज कर लेंगे, यही हो सकता है। तो अभी चलते हैं, नहा धोना करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको आगे। तो हमारी पैकिंग वगैरह सारी हो गई, टेंट वगैरह मैंने पैक कर दिया, गाड़ी पे लगा दिया अपना टेंट, और अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अभी हम चल रहे हैं डोल आश्रम को। भाई लोग तो जा रहे हैं गाड़ी पे, मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक पे, और चलते हैं फिर आगे, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम रुक गए एक लोकेशन पे, जहाँ से हमको आज जाना है ना, मतलब जहाँ हमने जाना है, तो उसका व्यू यहाँ से दिखता है। तो हमने सोचा कि एक बार रुके और यहाँ से एक बार अपना थंबनेल भी ले लें, और साथ में आपको दूर से एक बार दर्शन कराते हैं, फिर उसका चलते हैं आगे को। तो आज हम जाने वाले हैं डोल आश्रम, और मेरे ठीक सामने ये लोकेशन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, ये लोकेशन इतनी प्यारी लोकेशन है, यहाँ से डोल आश्रम बहुत प्यारा दिखता है, और पोर्ट्रेट मोड ना इसका बहुत प्यारा दिखता है। तो मेरे सामने ये है डोल आश्रम, और कितना प्यारा लग रहा है ये सामने, तो शिव जी की बड़ी सी मूर्ति, और सामने ये डोल आश्रम। तो ये डोल आश्रम के बारे में आपको अभी जाते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि तो क्या है खास बात, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं अभी जाके नीचे, और हो सकेगा तो आज बाबा जी से मिलते हैं, जिन्होंने इस आश्रम को बनाया है, जिनके आशीर्वाद से आश्रम बना है, तो उनसे ही मिलाएंगे। तो चलो चलते हैं आगे को, और फिलहाल मोबाइल वगैरह तो सब अभी गाड़ी में डाल रहे हैं, उसके बाद आगे जब आएंगे ना वापस, तो उसके बाद फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अंदर दर्शन करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं यहाँ के। तो दर्शन कर लिए अंदर, वो अलाउ है, आपने कर लिया दर्शन? बिल्कुल कर लिए। कैसा लगा अंदर? आप लोग भी कैसा लगा ये तो बताओ, यही चीज तो जानना है। दिल से नहीं बता सकते हम आपको, लेकिन हम संतोष दा की तरह बोलेंगे, बहुत अच्छा लगा। संतोष दा कैसा लगा? बहुत अच्छा। अंदर कुछ फील हुआ? हाँ हुआ। क्या फील हुआ? दिल में भगवान के प्रति मतलब आस्था और बढ़ गई। बढ़ गई, लेकिन एक गड़बड़ हो गया ना, ये जो छींक आई ना अंदर घुसते ही, तो ये परिवर्तन हो गया। क्या था ये परिवर्तन? परिवर्तित हो गया है वो, शुभ में शुभ, जो शुभ शुभ में परिवर्तित हो गया ऐसा ये मान रहे हैं कि नहीं आस्था है मुझे। कोई भी कार्य करने से पहले छी आ जाए तो थोड़ा सा
समझ रहे हो आप क्या होता है जी, होता है ये लेकिन इनके मन में शंका थी, लेकिन आप मंदिर में आओगे ना तो कुछ भी चीज अगर आप आपके साथ हो रही है ना वो अच्छा ही होती है। तो अभी हमने अपना दर्शन वगैरह कर लिया, यहाँ पे पास में कैंटीन है जहाँ हमने अपने चाय और थोड़ा सा छोले वगैरह खा लिए थे। एक बाबा जी की बुक है तो बाबा जी के बारे में, उनके कैसे वो बाबा जी बने उनके बारे में लिखा हुआ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ा, तो मैंने सोचा इसको ले लेते हैं और बाद में आराम से पढ़ के ज्ञान लेंगे कि हाँ ये बाबा जी के मतलब, अब लोग बोलते हैं ना कि असली है नकली है, वो तो आपको तब पता चलेगा जब उनके बारे में आप जानोगे। तो मैंने इसलिए ये बुक ले ली थी और उनके बारे में जानने के लिए, अस्तित्व के बारे में जानने के लिए ये बुक ले ली थी। तो अभी जाकर घर में जाके पढ़ूंगा और थोड़ी सी नॉलेज लूंगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। और पास में ना आपको जैसे ये सामने मंदिर है, अंदर आपका ये शक्तिपीठ है सामने, और शक्तिपीठ के अंदर आपको वर्ल्ड का सबसे बड़ा श्री यंत्र मिल जाएगा। जो ये शक्तिपीठ है ना, इसके चारों तरफ आपको हमारे जो चारों वेद हैं उन वेदों का उच्चारण करा गया है और सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी यहाँ हैं। पास में ये आपको स्कूल मिल जाएगा, संस्कृत स्कूल है। तो यहाँ अगर आप अपने बच्चे को, अगर कोई भी अगर अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाना चाहता है, तो वो एक प्रोसेस है उसका, जो कि बच्चे की जो पढ़ाई होनी चाहिए वो 5 क्लास तक होनी चाहिए और संस्कृत हिंदी और गणित का थोड़ा सा ज्ञान बहुत ज़रूरी है, तभी आपको यहाँ एक एंट्रेंस देना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको एडमिशन मतलब आपके बच्चे को एडमिशन वगैरह मिल जाएगा। तो कुछ सीटें होती है, ज़्यादा नहीं, कुछ सीटें होते हैं। ऑल इंडिया से यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, मतलब संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आते हैं। ये स्कूल है, यहाँ हमको अलाउड नहीं जाना, तो अंदर जाएंगे नहीं। और वहाँ पे ना जो सबसे मेन बाबा जी है, कल्याणी बाबा जी, उनका जो सामने वो जो आपको दिख रहा है ना, तो वो जो सामने आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, ये जो घर है, यहाँ कल्याणी बाबा जी का आश्रम है। तो अभी 10 बजे के आसपास वो आते हैं, अगर कोशिश करते हैं अगर उससे पहले हमको दर्शन वगैरह हो जाए उनके, तो उनसे उनका आशीर्वाद लेके फिर यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि उन्हीं का ये आश्रम है। तो जिनका आश्रम उन्हीं से आशीर्वाद लेंगे तो क्या पता सफलता हमारे पास आए, क्योंकि अभी तक सफलता आ नहीं रही है। तो चलो, आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है अपने से बड़ों का, सभी का, जो भी बड़े होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तो चलते हैं आगे, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। और एक राजा बाबा जी है, तो वो भी यहाँ रहते हैं। सबसे पहले कल्याणी बाबा जी जो मेन प्रमुख बाबा है यहाँ के, और उसके बाद राजा बाबा जी, तो दो बाबा जी है। राजा बाबा जी तो दूर से दर्शन दे गए थे, लेकिन अभी कल्याणी बाबा जी से अभी तक कोई दर्शन वगैरह नहीं हुआ, तो उनसे सामने एक बार भेंट हो जाए। चलते आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ का और कुछ ऊपर का नज़ारा। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ के बारे में दोबारा दे देता हूँ। जो ये सामने मेरे आप पीछे देख रहे हो ना, ये आपका शक्तिपीठ है। और यहाँ आपको अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, ध्यान लगाने का आपका मन करता है, तो आप यहाँ के ध्यान लगा सकते हैं। शर्त है कि आपको धोती पहन के आना पड़ेगा। शक्तिपीठ का जो निर्माण हुआ, इसमें आपके चारों वेदों का उच्चारण और मंत्रों का उच्चारण वगैरह करके इसका निर्माण किया गया है। और आपको ना इसमें अगर आप इसके 3 परिक्रमा करते हो ना, तो आपको ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के अनुभव मिल जाएगा। मतलब अगर आप इसके 3 चक्कर मारोगे, तो कहा जाता है कि आपने ब्रह्मांड के 3 चक्कर मार लिए, क्योंकि इसमें हमारे चारों वेदों का उच्चारण किया है। और इसके अंदर ना आपको 16 कुंडल का दुनिया का सबसे बड़ा श्रीयंत्र मिल जाएगा। तो ये भी इसकी खास बात है। और जो ये श्रीयंत्र बना है ना, ये भी अष्ट धातुओं से बना हुआ है, तो इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में। तो सबसे बड़ा दुनिया का श्रीयंत्र यही मिलेगा आपको। तो अब चलते हैं आगे और बाबा जी के दर्शन करने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है ना, उसको हमेशा रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और बता देना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। बाबा जी से मिलने के लिए परमिशन मिल गई, तो चलते हैं अंदर। यहाँ से रास्ता है वहाँ जाने का, और अगर आप आते हैं तो यहाँ से पता करके आप जा सकते हैं। यहाँ परमिशन लेनी पड़ेगी, ये ऑफिस है, और यहाँ से रास्ता है अंदर बाबा जी के आसन का। तो चलो चलते हैं और बाबा जी से एक बार दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके आगे को अपना काम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आगे को। बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया है और उन्होंने प्रसाद दिया है अपने हाथों से। तो चलो, ये हमारी किस्मत अच्छी थी कि बाबा जी मिल गए और बाबा जी के दर्शन हो गए। तो अब यहाँ से ना अब हम चलते हैं जहाँ हमने
ब्रेकफास्ट करना अपना, हमने उनको बोल दिया था कि पराठा वगैरह बना देना, तो वहाँ जाते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर हरीफ भाई यानी हमारे हेयर इन द हिल्स चले जाएंगे बेना को, और मैं चले जाऊंगा हल्द्वानी को। तो चलते हैं, प्रसादी समझ लो सबके लिए, सभी के लिए प्रसादी है, आपने भी लिया, अगर हमने खा ले तो समझ लो आपने भी ले लिया, आपने भी ले लिया। तो यहाँ से चलते हैं आगे को, जहाँ हमने नाश्ता करना है अपना, उसका चलते हैं हल्द्वानी के लिए। तो अभी ना हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और अब यहाँ से हमारा निकलने का प्लान है। तो हमारे भैया लोग तो जा रहे हैं यहाँ से बेरीनाग की तरफ और मुझे निकलना है हल्द्वानी के लिए। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। आया मजा? गाड़ी के बारे में बोलो। किसके बारे में? कोई लफ्ज ही नहीं है कहने। और हाँ, हमारे भैया हैं, इनकी गाड़ी है। तो ये गाड़ी नंबर, भैया का फोन नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या फिर ये नंबर लिखा हुआ है, तो कभी भी कहीं भी ऑल इंडिया ट्रिप आना है। ऑल इंडिया नहीं है, झूठ मत बोलो, ये है ना ऑल इंडिया, पक्का बताओ। ऑल इंडिया परमिट कर, ऑल इंडिया और ऐसे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत बड़ी बात है। ये आप लोग हमेशा करते होंगे लेकिन ऐसा टाइम स्पेंड आपने कभी नहीं करा होगा। यार मजा करा है कल, जो बहुत अल्टीमेट था, क्योंकि देखो यार इन दिनों से मैं पहली बार मिला था, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा, पंकज भाई का ज्यादा रहा। तो वो तो आपको व्लॉग में देख लिया, अगर नहीं देखा तो जाके लास्ट वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, और तब तक के लिए जरूरी है गुड बाय, यहाँ से बाय बाय, लेकिन अभी व्लॉग चलता रहेगा। तो यहाँ से भी मैं निकलता हूँ हल्द्वानी के लिए, और भैया लोग जाएंगे बेरीनाग के लिए। तो चले, चलो बाय बाय, ओके बाय बाय, बाय बाय, यहाँ पे बाय बाय हो गया। तो अभी टाइम हो रहा है 2:20, और मैं लगभग 11:35 में 2 लासन से चला था, तो मुझे लगभग 3 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में। और कहीं मैं रुका नहीं रास्ते में, कोई भी लोकेशन पे रुका नहीं, बस एक बार कैमरा चेंज करने के लिए रुका था, मतलब डायरेक्शन चेंज करने के लिए रुका था, बस हो गया, उसका कहीं रुका नहीं, सीधे घर आया। तो बहुत जल्दी आया, वरना 4 से 5 घंटे लगते मुझे 2 लासन से यहाँ पहुँचने में। और रोड भी अच्छी थी, सिंगल अकेला था तो टाइम लगा नहीं। और अगर आपने मेरा यहाँ तक ब्लॉग देख लिया ना, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।